तो दोस्तों आज मैं आपको अपने उत्तराखंड के एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने जा रहा हूँ और जो विदेशों में भी होती है और हमारे पहाड़ों में भी होती है। और बहुत तेज़ धूप लगी है भाई और मैं भी ले रखी है और ये देखो कितनी धूप लग रही है। और जो कि आपको दिखाता हूँ वहाँ पे एक पेड़ है तो बहुत बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे और ये यहाँ पे भी होते हैं विदेशों में, तो आपको दिखाता हूँ क्या है सामने से। तो दोस्तों आज मैं बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने जा रहा हूँ अपने उत्तराखंड की, वो भी विदेश में, और बहुत स्पेशल है, इसे देखकर आप पहचान ही गए होंगे। तो ये हैं तिमला, तो तिमला बिरंदिन विदेशों में। ये देखो दोस्तों कितने गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं और यहाँ बहुत सारे होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। आपको मैं इसका रेट भी बाद में दिखाऊँगा, आप देखते रहो वीडियो, आपको इनका रेट भी दिखाता हूँ मैं। इनका महंगा चीनी विदेशों में 880 है, मतलब 900 ही लगा लो, 900 एन लगा लो, तो 980 मतलब ये है कि आजकल रेट 70 का चल रहा है कोरोना की वजह से, तो 963 यानी कि 600 ही लगा लो। देखो भाई चार पीस, सिर्फ चार पीस, चार दानी 600 रुपये का चिन्ह है, तो चार पीस 600 रुपये के, तो भाई मैं तो 600 रुपये में पता नहीं कितने दिन नाश्ता कर लूँगा। और यानी कि तो इतनी वैल्यू है भाई हमारे यहाँ पे इन हमारे पहाड़ी चीज़ों की। देखो दोस्तों ये इन्होंने तिमलों को कैसे कितना अच्छा इनको कवर करके रखा है, जाली लगा रखी है और इतना ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनको ये अगर ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इनको चिड़िया खा जाएगी, इस वजह से ये लोग ऐसे इनको कवर करके रख देते हैं। ये लोग कितना ध्यान रखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और बिल्कुल सामने से दिखाता हूँ कि ये कहाँ लगे हुए हैं, किस जगह लगे हैं। तीन चार गलियाँ हैं ये देखो ये, और यहाँ कोई ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। और देखो ये अभी नई बिल्डिंग बन रही है और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इधर पार्किंग है और इस गली में है। तो इस गली में पीछे मेरा एक पहले रेस्टोरेंट रहा करता था जो बिल्कुल चलता नहीं था, क्योंकि चलता इस वजह से नहीं था, यहाँ पे देखो आदमी ही नहीं है बिल्कुल और ना ही कोई भीड़ भाड़ है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है। और तो इस गली के इधर पास में ये एक पेड़ है, इसको दिखाता हूँ, जो हमारे उत्तराखंड में भी है, बहुत फेमस है, आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। तो देखो दोस्तों आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है ये, तो बहुत फेमस है भाई हमारे यहाँ पे। और ये देखो ये है, आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखो तिमला छिन तिमला, और ये देखो तो विदेशों में भी तिमला तिमला बिरंदिन भाई विदेशों में देखो कत, और तिमला लगे छिन और पक्या भी छिन, ये देखो ये सब तिमले लगे हुए हैं। और ये देखो कितने सारे हैं देखो, और यहाँ आप तोड़ भी नहीं सकते, यहाँ पे तोड़ोगे तो ये देखो कैसे इन्होंने तिमलों को इतना ढंग से इन्होंने बांध रखा है। और ये देखो तिमले, ये इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इसमें प्लास्टिक का एक जाली लगा रखी है ताकि चिड़िया ना खाए। और यहाँ पर बहुत महंगे होते हैं भाई यहाँ पर, ये देखो ये सब तिमले छीन, ये सब तिमले हैं, और उधर भी उन्होंने वो देखो ये सब तिमले हैं। तो आपको बहुत अपनी गढ़वाल की, अपने उत्तराखंड की बहुत फेमस चीज़ विदेशों में दिखा रहा हूँ कि कितने विदेशों में कितने लोग ये ध्यान रखते हैं जो फल फूल होते हैं। ये देखो एक तिमला छीन है, और ये देखो सब्जियों का ढक्का चीनियों का, ये देखो एक कद गल या चीन है, ये देखो कितने सारे लगे हैं यहाँ पे, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह के तरीके से इन्होंने ढक रखा था कि चिड़िया ना खा पाए इसको। और ये देखो बहुत बड़ा पेड़ है और इसमें कम से कम बहुत सारे लगे हैं, कम से कम बहुत होंगे पता नहीं 400-500 करीबन। और ये देखो तो ये तिमले का पेड़ है भाई, तो हम यहाँ पे विदेशों में भी रहते हैं हमारे यहाँ के तिमले, और यही चीज़ मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि हमारे पहाड़ी चीज़ों की विदेशों में भी कितनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है यहाँ पे कि देखो कितना अच्छा इन्होंने ढंग से तरीके से इन्होंने रखा हुआ है, और ताकि चिड़िया ना खाए, और बहुत अच्छे तरीके से लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। और ये देखो कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने पेड़ में जो लगी तिमले लगे हैं उनको ढक रखा है। आपको मैं विदेश में अपनी पहाड़ी चीज़ें दिखाता रहता हूँ, और लोग क्या हैं कि भाई अपने गढ़वाल में रह के भी उसको भी दिखाना बहुत अच्छी बातें हैं, और अपने गढ़वाल की चीज़ों का प्रचार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो मैं भी इसी वजह से जो है कि अपने देखो विदेशों में दिखा रहा हूँ आपको, ये तिमले लगे हैं भाई,
और इतने बड़े अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, और इतना अच्छा टेक करके रखा है, इनको कवर करके रखा है। तो ये देखो, ये भी एक दिखाने वाली चीज़ है कि हमारी पहाड़ी चीज़ की, विदेशों में भी हमारी पहाड़ी चीज़ें हैं और बहुत वैल्यू है इनकी। देखो कितने सारे लगे हैं, देखो, और बहुत महंगे भी हैं, और आधे तो इन्होंने मेरे ख्याल से खा भी लिए। और ये क्योंकि मैं इस रास्ते जाता रहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बहुत साल पहले यहाँ पे, एक साल पहले भी काम किया है यहाँ पे, काम धाम तो चलता था नहीं, तो इस वजह से तो ये मैंने देखा हुआ था बहुत पहले। तो इधर कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पे सारे पुराने पुराने मकान हैं, अब इन्होंने तोड़ ताड़ के अब नए नए बिल्डिंग बनाने स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट था पहले, तो यहाँ पे सारे बुजुर्ग लोग ज़्यादा रहते हैं, खाने पीने वाले कोई है नहीं। और फिर आपको दिखाता मैं क्या है कि तिमले के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और अभी यहाँ की जो मालकिन है इस पेड़ की, और बोल रही है कि भाई ये इसको 10 साल हो गए लगाए हुए, पहले छोटी किसी और जगह में था, तो अब जो है कि ये देखो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ दूसरी जगह में था गमले में, अभी इन्होंने यहाँ पे लगाया। तो इधर मालकिन खड़ी हो रखी है भाई, ये वो जो है कि बोल रही है कि ये इसका जैम बनाते हैं हम, और ये देखो कितना अच्छे इन्होंने कवर करके रखा है। और आपको मैं अपनी बहुत फेमस उत्तराखंड की चीज़ है, पहाड़ी चीज़, विदेशों में दिखाता हूँ। और ये देखो बहुत सारे हैं, इन्होंने पूरे कवर के, क्योंकि कहते हैं कि चिड़िया खा जाती है इसको, इसी वजह से मेरी मम्मी पापा ने जो है कि इसको पूरा ढंग से कवर करके रखा हुआ है। और ये देखो कितना अच्छा इन्होंने तरीके से आपको अपने उत्तराखंड की चीज़ दिखा रहा हूँ भाई। और ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे, ये देखो इन्होंने सारे इन्होंने कवर करके रखे हैं, तो इतना ध्यान रखते हैं ये। देखो ये फल फ्रूट का, ये देखो, और ये इसकी एक फोटो भी खींच के डाल देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरी आवाज़ सुनकर मालकिन बाहर आ गई, तो कहीं सोचा उसने कि ये कहीं खा ना जाए। ये देखो यहाँ पे विदेशों में कितना ध्यान रखते हैं फल फ्रूटों का। ये देखो तिमला छिन तिमला, और आप तो पहाड़ी चीज़ दिखाण छो मैं, है बहुत तेज घाम लगी छे। और तो पहले मैं 6 साल काम करूँ छे, काम धाम सब छूट गया और भाई काम नहीं चले यहाँ पे। अरे तो थैंक यू वेरी मच दो। यहाँ पे कोई चोरी वोरी नहीं करता, लेकिन हम विदेशी हैं, फॉरिनर है, इस वजह से मालकिन सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़ी हो गई। टाइम है जैसे बरसात के टाइम में हमारे यहाँ पे तिमला पकते थे ना, लगते थे, लगे हुए होते थे। ये देखो ये है, ये तिमला है और एक पका हुआ भी है भाई। देखो ये आज बहुत अच्छी बारिश हुई थी, देखो बारिश में, बारिश की बूंदे तिमले में कितनी अच्छी लग रही है। ये बहुत महंगे हैं भाई, बहुत महंगे होते हैं यार। ये देखो ये सब लगे हैं, इतना बड़ा पेड़ है तिमला, तो विदेशों में तिमले भी होते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे मैं 6 साल काम करता था, और काम धाम नहीं था तो इस वजह से मैंने रेस्टोरेंट छोड़ दिया, फिर कोरोना भी हुआ, कोरोना की वजह से भी छोड़ दिया। देखो दोस्तों कितने सारे तिमले पके हुए हैं, और तिमले लगे हुए भी हैं, तिमले पके हुए भी हैं, तो हमारे उत्तराखंड की चीज़ देखो बरसात में ही होते हैं। और ये देखो कीड़ा चींची कर रहा है, ये देखो चींची कर रहा है, और ये देखो ये यहीं पे, ये बरसात का टाइम है। और ये देखो ये जापानीज फ्रूट है, और ये पेड़ ये देखो अभी पकेंगे बाद में, और पास से दिखाऊंगा कि तिमले हैं कि नहीं है। ये देखो बिल्कुल पास में ही है, और यहाँ वैसे तोड़ नहीं सकते, यहाँ पे भाई 2 मिनट में वही बताया कि यहाँ पे कानून बहुत टाइट है, किसी का फल फ्रूट सब्जी ये देखो नहीं तोड़ सकते आप। तो वो देखो सारे हैं, कितने सारे तिमले लगे हैं ये देखो। तो ये हमारे उत्तराखंड के, विदेशों में भी, अब पास में से दिखाता हूँ तुम्हारे को जो पका हुआ था। ए कहाँ गया भाई, ये देखो तो ये पका हुआ है, और ये तिमला डाल से भाई, तो विदेशों में तिमला भी रन। और ये देखो कभी खुशबानी तिमलों डालों का तो दोस्तों विदेशों में भी तिमले रहते हैं, इसी वजह से मैं आपको पहाड़ी चीज़ अपनी उत्तराखंड की चीज़ दिखाते ही रहता हूँ। तिमले का पेड़ है, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जैसे तिमले पके होते हैं ना, ऐसे पेड़ों के नीचे खुशबू आती है तिमलों की, ऐसी तिमले की खुशबू आ रही है बहुत, और पर तोड़ नहीं सकते भाई, यहाँ पे बहुत कानून टाइट है। तो भाई तिमले देखने के बाद मैं खाने का मन कर गया, तो यहाँ से चोरी तो कर सकते नहीं है, इस वजह से मैं मार्केट से तिमले खरीद के लेके आया हूँ, और बहुत महंगे हैं, लेकिन क्या करें, मन कैसे मारे, खाना तो पड़ेगा ही। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं, और देखो तिमला ही है ना, ये देखो बिल्कुल बिल्कुल तिमले हैं भाई, और झूठ नहीं है, क्योंकि विदेशों में भी तिमले रहते हैं। और अब मैं आपको इसको फोड़ के, इसको तोड़ के दिखाता हूँ, मतलब काट के दिखाता हूँ,
और ये देखो है ना तिमले, बिल्कुल सेम टू सेम। ये देखो वही बीज है, वही अंदर से ऐसे ही बिल्कुल। तो जब सबसे पहले पहले मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाई थी तो उस समय 880 यन यानी कि 900 यन यानी कि 600 रुपये का था, और अभी तिमलों का मौसम चल रहा है तो इस वजह से रेट बिल्कुल आधा हो गया है। और जब मैं वीडियो बना रहा था इतना धूप लगा हुआ था तो मेरा एकदम फेस एकदम ऐसा हो रखा था। तो दोस्तों आज मैंने आपको तिमले भी दिखा दिए विदेशों में। तो क्या है कि भाई जिन चीज़ों को हमने खेतों में उगाना छोड़ दिया, खेती बाड़ी करनी छोड़ दी है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम फिर से खेती बाड़ी करेंगे और फिर से हम इन चीज़ों को उगाएंगे। और क्योंकि आपको मैंने दिखाई दिए कि विदेशों में कितनी वैल्यू और कितने रेट कितने हाई हैं, हम खा भी नहीं सकते, इतने महंगे हैं, तो हम फिर से खेती बाड़ी करके और विदेशों में सप्लाई करेंगे। दोस्तों ये थी आज की मेरी भविष्यवाणी कि एक दिन ज़रूर हम अपना सामान अपना खेती बाड़ी करके विदेशों में ज़रूर सप्लाई करेंगे। देखो दगड़ा पिछने हैं मेरे पीछे हिंदी में बात करता हूँ, सारे लोग देखते हैं है ना, कई लोग अब आगे चलकर क्या पता कोई मेरा जो मैं YouTube में डालता हूँ काफ़ी लोग देखने लग जाए, तो इसी वजह से अब हिंदी में बात कर रहे हैं कि यार गढ़वाली में तो वैसे भी दो चार अभी तो 20-25 आदमी देखने वाले आदमी हैं, तो मैं हिंदी में बात करेंगे तो थोड़ा सा यही सारी हिंदुस्तान का आदमी जहाँ भी दुनिया भर में होगा तो देखेगा भाई। तो दोस्तों एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम मेक इन इंडिया सारी दुनिया में फैलाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे और फिर से अपने खेती बाड़ी को अपनाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको तिमले दिखाए और आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाई है ये है जापान में, और जापान में बहुत सारे तिमले होते हैं, हमारी बहुत सारी पहाड़ी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से मैं आपको दिखाता रहता हूँ अपनी पहाड़ी चीज़ें, और ताकि हम लोगों को पता चले कि विदेशों में कितनी वैल्यू है हमारी उत्तराखंड की चीज़ की। फिर मिलेंगे, बाकी हम कहीं भी रहें दुनिया में हम अपनी मातृभूमि जन्मभूमि और अपने देश को कभी नहीं भूल सकते। जय हिंद वंदे मातरम। तो तिमला पै क्या छा विदेशों में, हो डाली डाली तिमलों की तेते की बुलाने च परदेसी अपना उत्तराखंड मां, हो डाली डाली तिमलों की।